क्लास ट्वेल्व गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने आपको नया चैप्टर पढ़ाया था जिसका नाम था वंशगति का वेग आधार। उसमें हमने आपको अनुवांशिक पदार्थ की खोज बताई थी कि किस किस वैज्ञानिक ने अनुवांशिक पदार्थ की खोजों को किया तथा न्यूक्लिक अम्ल की खोज भी किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आज हम पढ़ाएंगे अनुवांशिक पदार्थ की जैव रसायन पद्धति। हेडिंग हमारी होगी अनुवांशिक पदार्थ की जैव रासायनिक प्रकृति। अनुवांशिक पदार्थ की जैव रासायनिक प्रकृति बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बायो केमिकल बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो देखेंगे कि अनुवांशिक पदार्थ की जैव रासायनिक प्रकृति क्या है। तो इसमें हम आपको बता रहे हैं कि जो रासायनिक जैव तत्व यानी कि जो रासायनिक तत्व होता है वह जैव रसायनों का बना होता है तथा किसी जीव का अनुवांशिक पदार्थ हजारों जीन्सों का बना होता है। इसी प्रकार इसी में डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल में गुणन या प्रति न्यूक्लिक की क्षमता भी पाई जाती है। इसी में अनुवांशिक कोटों के रूप में वहन भी करता है। तो इसे आप पॉइंट के रूप में लिखें तो सबसे पहला पॉइंट लिखें जैविक तत्व जैव रसायनों का बना होता है। जैविक तत्व जैव रसायनों का बना होता है अतः अनुवांशिक पदार्थ भी जैव रसायन होता है। अतः अनुवांशिक पदार्थ भी जैव रसायन होता है। सेकंड पॉइंट लिखेंगे एक जीव का अनुवांशिक पदार्थ एक जीव का अनुवांशिक पदार्थ हजारों जीन्स का बना होता है। एक जीन्स का अनुवांशिक पदार्थ हजारों जीन्स का बना होता है अतः एक जैव रसायन के अनुवांशिक पदार्थ होने के लिए अतः एक जैव रासायनिक पदार्थ के अनुवांशिक पदार्थ होने के लिए उसमें उच्च कोटि की क्षमता होती है। उसमें उच्च कोटि की क्षमता होती है। नंबर थ्री लिखेंगे डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल यानी कि जिसे हम डीएनए कहते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल में गुणन या प्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है। में गुणन या प्रतिकृतिकरण की क्षमता पाई जाती है। नंबर फोर लिखेंगे इसमें चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स इसमें चार प्रकार के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं जो विभिन्न क्रमों में व्यवस्थित होकर बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं नंबर फाइव लिखेंगे अधिकांश जीवों में डीएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में उपलब्ध होते हैं। नंबर अगला कुछ जीव जैसे विषाणु आदि में आरएनए अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। नंबर अगला सेवन लिखेंगे
अनुलेखन के दौरान डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। अनुलेखन के दौरान डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। यह निर्देशों का अनुवांशिक कूटों के रूप में वहन करता है तो ये थे आपके अनुवांशिक पदार्थ की जैव रसायन प्रकृति। अब हेडिंग डालेंगे डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ के पक्ष में प्रमाण। डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ के पक्ष में प्रमाण। डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ के पक्ष में प्रमाण, जिसे हम इंग्लिश में लिखेंगे एविडेंस। तो इसमें जानेंगे कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है और इनके क्या प्रमाण है। तो लिखेंगे इसमें क्या क्या बताया गया है। तो देखिए डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ की उपस्थिति अनेक प्रकार से मिलती है, जो कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होती है। अब ये प्रश्न उठता है कि न्यूक्लिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति के बारे में किस वैज्ञानिक ने बताया तथा किस वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज की। तो सभी जानते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी तथा कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। तो सबसे पहले हम आते हैं अप्रत्यक्ष प्रमाण पर। तो हेडिंग डालेंगे अप्रत्यक्ष प्रमाण, इसी के अंतर्गत है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण इनडायरेक्ट एविडेंसेस अप्रत्यक्ष प्रमाण। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रत्येक कोशिका में उपस्थित, नंबर पॉइंट से लिखेंगे प्रत्येक कोशिका में उपस्थित केंद्रक उसकी आकार की कार्य की तथा अनुवांशिकता को नियंत्रित करता है। प्रत्येक कोशिका में उपस्थित केंद्रक उसकी आकार की कार्य की तथा अनुवांशिकता को नियंत्रित करता है और यह प्रमाणित करता है कि केंद्रक में डीएनए उपस्थित होता है नंबर सेकंड लिखेंगे, डीएनए में प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है। डीएनए में प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है। नंबर थ्री, डीएनए का प्रतिकृतिकरण कोशिका विभाजन से पहले होता है। और संतति कोशिकाओं में बराबर बढ़ता है नंबर फोर, उपापचयी आवश्यकताओं के अनुसार डीएनए खंड सक्रिय या निष्क्रिय हो सकते हैं। नंबर फाइव,
डीएनए अनुलेखन व अनुवादन द्वारा, डीएनए अनुलेखन व अनुवादन द्वारा कोशिका के आकार व कार्यों को नियंत्रित कर सकता है। अगला लिखेंगे, डीएनए में पुनर्निर्माण क्रिया होती है। अगला पॉइंट, एक जीव की सभी कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा समान होती है। अगला पॉइंट, डीएनए पर उपस्थित जीन्स के सक्रियण एवं अभिव्यक्ति से कोशिका विभेदन, ऊतक व अंग निर्माण व विभिन्न घटकों का निर्माण होता है लास्ट पॉइंट लिखेंगे, डीएनए में होने वाले उत्परिवर्तन। देखिए, जिस प्रकार से हमने आपको बताया कि वातावरण में कई प्रकार के क्या परिवर्तन हो जाते हैं, तो डीएनए में होने वाले उत्परिवर्तन संततियों में भी स्थानांतरित होते हैं। तो ये आपके क्या थे? अप्रत्यक्ष प्रमाण जो कि देखने को मिलते हैं। अब हमारा क्या आया? प्रत्यक्ष प्रमाण। हेडिंग डालेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण तो ये डायरेक्ट एविडेंसेस है, ठीक है। तो देखिए, इसमें लिखेंगे, विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। अब इसमें ग्रिफिथ ने प्रयोग किया, तो ग्रिफिथ के अनुसार लिखेंगे। ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग है, तो नंबर एक पॉइंट इसमें भी लिखें, एक ब्रिटिश एस एफ ग्रिफिथ ने, यानी कि ब्रिटिश वैज्ञानिक एस एफ ग्रिफिथ ने रूपांतरण की खोज की तथा न्यूमोनिया रोग के जीवाणु स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी को बताया। सेकंड पॉइंट लिखें, जीवाणु के दो विभेद के लिए उग्र तथा अनुग्र विभेद से न्यूमोनिया होता है। उग्र तथा अनुग्र विभेद से न्यूमोनिया होता है। नंबर थ्री लिखेंगे, उग्र जीवाणु को इस प्रकार कहते हैं क्योंकि ये संवर्धन क्षमता पर चिकनी कॉलोनी बनाते हैं जिसके चारों ओर म्यूसीलेज का आवरण उपस्थित होता है। अनुग्र विभेद वाले जीवाणु से निमोनिया रोग नहीं होता। ये अगला पॉइंट है, अनुग्र विभेद वाले जीवाणुओं से निमोनिया रोग नहीं होता। ये अनैमित व खुरदरी कॉलोनी बनाते हैं
ये अनियमित व खुरदरी कॉलोनी बनाते हैं। इन्हें आर प्रकार के कहते हैं। इन्हें आर प्रकार के कहते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, आर प्रकार के जीवाणु से रोग उत्पन्न नहीं हुआ। आर प्रकार के जीवाणु से रोग उत्पन्न नहीं हुआ, लेकिन एस प्रकार के जीवाणु से, लेकिन एस प्रकार के जीवाणु से जब विक्षिप्त, जब अंतःक्षिप्त कराया गया, जब अंतःक्षिप्त कराया गया तो उसे निमोनिया रोग हुआ, तो उसे निमोनिया रोग हुआ। तो ये आपके क्या थे प्रत्यक्ष प्रमाण जो कि देखने को मिले आपको, कि इस प्रकार से किस प्रकार से प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं। तो ये आपके प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष हो गए। अब अगली हेडिंग है तो आपने यहां पर जाना कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है तथा अप्रत्यक्ष प्रमाण क्या है। तो ये ग्रिफिथ का रूपांतरण था। इन्होंने ये जो प्रयोग किया था ये चूहों पर किया था, यानी कि जो निमोनिया रोग हो रहा था बैक्टीरिया के कारण, इन्होंने जो आर प्रकार के थे तथा एस प्रकार के थे, तो इन्होंने जब एस प्रकार के जीवाणु थे जिससे निमोनिया रोग उत्पन्न हो रहा था, फिर उन्होंने आर प्रकार के जीवाणु तथा एस प्रकार के जीवाणु दोनों में संकरण करवाया, तो उससे ये पता चला कि जो आर प्रकार के जीवाणु हैं उससे निमोनिया रोग उत्पन्न नहीं हो रहा है तथा जो एस प्रकार के जीवाणु हैं उनसे निमोनिया रोग उत्पन्न हो रहा है। तो जीवाणुओं में रूपांतरण को प्रदर्शित किसने किया? ग्रिफिथ ने किया। तो जैसे एक चूहा स्वस्थ रहता है, जैसे एक चूहा स्वस्थ रहता है, ये लिखना नहीं आपको, उसे समझ लेना है। यानी कि इन्होंने ये बताया कि जीवाणुओं में रूपांतरण को प्रयोग, ग्रिफिथ का प्रयोग, जैसे इन्होंने बताया कि एक चूहा जैसे स्वस्थ रहता है, यदि उसमें साल्मोनेला न्यूमोई का आर विभेद या ताप मृत एस विभेद का अंतःक्षेपण होता है, आर विभेद होता है या एस विभेद का अंतःक्षेपण होता है, लेकिन आर कोशिकाएं ताप मृत एस कोशिकाओं की उपस्थिति से, लेकिन ताप मृत एस कोशिकाओं की उपस्थिति से उग्र विभेद में परिवर्तन होकर चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है, चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है। तो ये इसका डायग्राम भी इसमें बना हुआ है, लेकिन आप लोगों को इसका डायग्राम नहीं बनाना क्योंकि इसके डायग्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ खाली इसमें जो पूछे जाते हैं कि डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ के पक्ष में प्रमाण बताइए, उनके क्या प्रत्यक्ष प्रमाण हैं तथा क्या अप्रत्यक्ष प्रमाण हैं, तो इस प्रकार के ये प्रमाण जो हमने आपको बताए। तो एक और इसी में पॉइंट लिख लीजिए, ग्रिफिथ के प्रयोगों से यह स्पष्ट नहीं होता, ये पॉइंट लिखें, ग्रिफिथ के प्रयोगों से यह स्पष्ट नहीं होता कि चूहे रूपांतरण हेतु आवश्यक है, कि चूहे रूपांतरण हेतु आवश्यक है या नहीं। अगला एक और लास्ट है, संवर्धन माध्यम से भी रूपांतरण संभव है, संवर्धन माध्यम से भी रूपांतरण संभव है, लेकिन ग्रिफिथ यह स्पष्ट नहीं कर सके, लेकिन ग्रिफिथ यह स्पष्ट नहीं कर सके। तो ये था आपका ग्रिफिथ का, कल जो हमारी नई हेडिंग होगी आप उसे पिछली क्लासों में कई बार भी पढ़ चुके होंगे, पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, जिसका नाम है डीएनए, जिसे कहते हैं डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। वेरी इंपॉर्टेंस भी है और इससे अधिक प्रश्न भी आते हैं तथा ये जानकारी के लिए भी बहुत उपयोगी भी होती है कि डीएनए क्या है, यानी डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल क्या है। तो ये कल का हमारा होगा, तब तक के लिए सारी चीज़ों को नोट कर लें, और जो किसी को चीज़ जो पसंद जो पूछना हो तो वह पूछ सकता है।